हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग शाम के 5 बज गए हैं और अभी हम बना रहे हैं गुंजिया। कल मैं जाने वाली हूँ तो आज कोसली तैयार कर लेते हैं। और हमारे यहाँ कोथड़ी में लगभग गुंजिया ही बनती हैं, तो खोआ तो मम्मी ने पहले ही बना कर रख रखा था। आधे के गुलाब जामुन बना लिए थे और आधा बच गया था, उसी से आज गुंजिया बनाकर तैयार करने वाले हैं। और आज गुंजिया बनाने की पूरी रेसिपी शेयर करूंगी आप सबके साथ, क्योंकि दही बड़े और गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी तरह से शेयर नहीं कर पाई, थोड़ी सी टाइम की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और गुलाब जामुन तो मैंने पहली बार बनाए थे, पर दही बड़े मैंने कई बार बना लिए थे तो इसलिए मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई थी। पर गुंजिया आज मैं पहली बार ही बनाने वाली हूँ, और वो भी यूपी स्टाइल में। कीर्ति तो नहीं है, पर मेरी मौसी की जो लड़के की वाइफ है वो भी यूपी की ही है, मेरी भाभी लगा लीजिए। तो दो मेरी मौसी के लड़के हैं और एक मेरा भाई है गुल्लू, तो तीनों ही मेरी भाभियां यूपी की हैं, तो उन्हें ही बुलाने वाली हूँ अभी मैं ये सारा मटेरियल तैयार करने के लिए। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। और ये देखिए, आधी किलो सूजी मंगवाई है मैंने, ज्यादा सूजी नहीं मंगवाई है क्योंकि ज्यादा सूजी डाल लेते हैं तो सूजी का ही टेस्ट आता है। बनाने तो वैसे हमें भी आते हैं, मेरी मम्मी हमेशा कोसली में हमें गुंजिया ही बनाकर देती है, टाइम होता है तो कभी कभी टाइम। और ये रितिका को दी थी बोलने के लिए, ये देखिए ये बना रितिका यो फ्लावर, और सूजी में भी डिजाइन बना दिया रितिका ने। तो जरूर तो आज तो बाढ़ के ना, आज कितनी तेज की बाढ़ी थी। तो ये आधी किलो तो सूजी भून ली थी और इसमें अभी आधी किलो ही खोआ डाल लिया। पर रात में मैदा छान ली। और ये देखिए, ये 1 किलो मैदा है, तैयारी लगभग हमारी हो गई है। माँ इसमें किस तरह मिलाओगी, जमा छोटी सी है, परात में घेर ले, एक परात और को नहीं अपने। जब परात लिया, मीठा कितना घेर, मीठा कितना मम्मी? मीठा भाई जितना अपन थी उस हिसाब से पड़ जाएगा, 1 किलो तो दिया दिए, साथ के देख लें टेस्ट करके, भाई कम पड़ेगा तो लगेगा तो और घेर लेंगे। गोला घेरे की ना? गोला कौन घेरा, किसमिस घेरा, और गोड़ा अच्छा कौन लगा, किसमिस किसमिस के रंग। ज्यादा मीठा ना गिरा, ज्यादा मीठा ही डाल। इसका ही थैली किसमिस से लोक गेरो नहीं, ये मात गेर दिन नहीं, मैं तो सारी थैली ओ दे दिन हो या ना ता हट करया कर दे, मैं तो सारी गेर दे मैं ले ना ये मैं थोड़ी की किसमिस ज्यादा होने जी देखाने अच्छे लगे हैं बस। हां और कोई भी चीज होशी बेटा गाख मार के टिक क्या रह जो मां मैं मांडू थी जी, मांडू तो कोनी ने। हां फिर थमनू वो मोई सही बन गई ना? हाँ सही बन गई। चाक के देख ले नानी, मीठा चाक के देख ली के नहीं समझ पा रहा तो कर ना दिखा कर काट दे बड़ा सा एक के चुटकी भर बस सही चाक ले नहीं चाक ले मन्ना कौन दा दस चम्मच मैं छोड़ती तो चम्मच तो सही है मोई बन गई। तो अभी पिट्ठी तो हमने बनाकर तैयार कर ली है, मम्मी पिट्ठी बोला करें और की मैं भी बोला करें बोल दे मोई बोल दे पिट्ठी मोई भी बोल देते हैं। और मैंने आप सबको बोला था कि मेरी भाभी बनाने वाली है, पर इसका भाई आ गया था तो ये चली गई थी उसको लेने के लिए। आ जाए राखी ना, बैठी बैठी क्यों खड़ी हो, खड़ी हो लेकिन वो गीला। और ये देखी, ये मेरी भाभी है और मेरे भैया तो फौज में है,
तो बस हमारे ही पास रहती है। पर वीडियो में थोड़ा सा कम ही आते हैं, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी कभी कभी मौका मिलता है। और आज स्पेशली से मैंने बुलाया है मेरी कोथली तैयार करवाने के लिए, और इसे भी कुछ काम आ गया था, थोड़ी सी लेट हो गई है भी और हमें भी थोड़ी सी जल्दी थी, तो चलिए अभी भुंजिया बना लेते हैं। और कुछ बोलना है? थोड़ा सा शर्माती ज्यादा है, मुझे तो आदत हो गई है वीडियो बनाने की। हाँ। ले आए हो पापा? सूजी क्या देते हो? अच्छा सूजी ले आए हो के? लिया पानी लिया है? मिला है के? बस तो बतेगा ये मिस्टर पूछ, राखी तो पूछ ली हुई फ्रिज में तेरी आऊं ना, फ्रिज में तरन की क्या जरूरत है? सामान्य तो लेट आया इतना क्यों गेर है माँ? थोड़ा कम गेर, देसी घी है यो बढ़ने की ना ज्यादा। हाँ तो वाह, तो थोड़ा कम गेर यो हल्का सा गर्म पानी मम्मी इस टोपी में है। तो एक तो उल्टी ओढ़ राखी से कोई आठ कोई उल्टी को नहीं है इसकी लेस उल्टी है सच्ची में। एक दो चम्मच दो चम्मच दही बस इसमें वो है जो वो पड़ जाना बबल बबल से बस बबल बबल से बन जाना। हाँ, वो खुले खुले हाँ। जाना बबल से वो तो अभी मैदा में घी और दही डालकर पहले हाथ से ही मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, क्योंकि घी डालने से दाने दाने से हो जाते हैं। तो पहले हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर हल्का सा गर्म पानी लेकर मैदा को गूंथ लेते हैं, और ज़्यादा नरम नहीं गूंथते हैं मैदा को, थोड़ा सा टाइट ही गूंथते हैं। घी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं ये गुजिया हमारी थोड़ी सी ज़्यादा खस्ता बनती है, ज़्यादा नरम हो जाती हैं, फिर खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। और हमारे यहाँ तो हम बनाते हैं गुजिया जैसे कि हम थोड़ा सा खोआ सूजी और गेहूं का आटा मिक्स कर लेते थे हम पहले बनाते थे। तो अब की बार मम्मी ने भाभी से पूछा था, कीर्ति तो थी नहीं और ये यहीं पर थी, तो हमने इनको ही बुला लिया था कि कैसे बनाते हैं, तो इन्होंने गेहूं का आटा डालने से मना कर दिया था, तो इस बार हमने गेहूं का आटा नहीं डाला है, बस सूजी और खोया मिक्स किया है। और ये देखिए अभी मैदा हमारी गूंथ गई है। और हमारे यहाँ की एरिया लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, मच्छर और मक्खी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें मोर्टिन वगैरह कुछ भी लगा लें, मक्खी तो बहुत ही ज़्यादा है। और अभी ये गेहूं के आटे में थोड़ा सा पानी डालकर गुंजिया बनाने के लिए घोल तैयार कर लेते हैं, पानी भी लगा लेते हैं, पर हम जब भी बनाते हैं तो ये आटा ही घोलते हैं, इससे ज़्यादा अच्छी तरह से चिपकती हैं, फटती नहीं है बिल्कुल भी हमारी गुंजिया। और पतला घोल बनाते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाते हैं, ये देखिए बिल्कुल पतला कर लिया है मैंने। और वैसे भी गेहूं का आटा हम घोल कर रख देते हैं, थोड़ी सी देर में गाढ़ा हो जाता है। तो सारी तैयारी हमारी हो गई है और अभी गुंजिया बना लेते हैं। तो और वैसे हमारे यहाँ आम भाषा में गुंजिया बोलते हैं, गुंजिया तो यूपी साइड बोलते हैं। तो गुंजिया बनाने के लिए सबसे पहले तो बिल्कुल थोड़ी सी मैदा ले लेते हैं, छोटी छोटी रोटियाँ बना लेते हैं। बड़ी मशीन है तो जैसे हमारे पास एक सिल्वर की ये बड़ी मशीन है रितिकान ले रखी है, और एक छोटी मशीन है जो भाभी ने ले रखी, दो मशीन है। तो जो बड़ी मशीन है उसके लिए थोड़ी सी बड़ी रोटी बनाते हैं। और ये देखिए रोटी बनाकर ऐसे मशीन के ऊपर रख लेते हैं, और फिर चारों तरफ लगा लेते हैं ये जो मैंने घोल तैयार किया है वो, और फिर दो चम्मच मोई डाल लेते हैं, दो चम्मच आए या तीन चम्मच आए, और ऐसे बंद करके चिपका देते हैं, और फिर जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आटा रहता है वो ऐसे हटा देते हैं। तो ये देखिए ये गुंजिया हमारी बनकर हो गई है तैयार। और ये एक रितिका ने बनाई थी तो वो अच्छी तरह से नहीं बनी, तो ये मैंने हाथ से बना दी है।
अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और कल रात को हमारे यहाँ गुंजे बनाते बनाते बारिश आ गई थी, पर गुंजे तो हमने बना कर रख दिए थे और फ्राई करेंगे अभी। वैसे भी गुंजे बनाकर 4-5 घंटे रखते हैं, उसके बाद ही फ्राई करते हैं। तो चलिए अभी फ्राई और कर लेते हैं। तो ये देखिए, और गुंजे हमने बनाए हैं थोड़े से बड़े बड़े, क्योंकि एक मशीन थोड़ी सी बड़ी थी और एक छोटी थी। ये देखिए, और अभी ने रिफाइंड तेल में से फ्राई करेंगे। वो रिफाइंड तेल है, मैं 3 दिन से आप सबको घी बता रही हूँ, घी है घी है। तो अभी आधे गुंजे मैंने फ्राई कर लिए हैं और फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस 10-15 मिनट में सारे फ्राई हो गए थे। और लगभग एक परात के आसपास गुंजे बने हैं, क्योंकि कुछ मैं मेरे लिए लेकर जाऊंगी, कुछ घर पर छोड़ कर जाऊँगी और कुछ फिर वहाँ पर जाने के बाद कौशल के यहाँ और ऐसे देने भी होते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा ही बनाते हैं। और गाँव में लगभग कोथली में सबके यहाँ गुंजे ही चलते हैं, और जो हम घर पर कोथली बनाकर तैयार करते हैं उसकी तो एक अलग ही बात होती है। वैसे मेरी मम्मी ने मेरे लिए घेवर भी मंगवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ रक्षाबंधन पर स्पेशल घेवर ही आता है हमेशा से। मैं तो बचपन से देख रही हूँ हमारे गांव में रक्षाबंधन पर लड़कियाँ आती हैं तो भी, और हम पहले शादी से पहले बांधते थे तब भी मेरी मम्मी घेवर ही मंगवाती थी। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे यहाँ घेवर के साथ ही मनाया जाता है, और कोथली में तो गुंजे ही बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये तो गांव की देसी मिठाई लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। गुंजे एक ऐसी मिठाई है या डिश है जो पुराने टाइम से हमेशा से कोथली में चलती है, हमारे यहाँ तो बनते हैं, मैं तो बचपन से ही देख रही हूँ। बस फर्क इतना है, पहले हाथ से बनाते थे, अभी मशीन आ गई है तो मशीन से थोड़ी सी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, गुंजे हमने फ्राई कर दिए हैं और फ्राई करके साथ साथ पैक नहीं करते हैं, लगभग आधा घंटा या एक घंटा इनको ऐसे ही रख देते हैं, साथ साथ पैक कर देते हैं तो फिर ये चिपचिपे हो जाते हैं। तो अभी गुंजे तो हमने फ्राई कर दिए हैं, ये देखिए, और इनको एक घंटा या आधा घंटा ऐसे ही रख देते हैं, साथ साथ पैक नहीं करते हैं, फिर तो ये फूट भी जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, थोड़ी सी देर हवा लगानी पड़ती है। बना कर रखते हैं तब भी और फ्राई करने के बाद भी। और इसमें हमने डाला है आधी किलो सूजी, आधी किलो खोआ और 100 ग्राम के आसपास किशमिश डाली थी, 1 किलो मीठा डाला है, खांड डाल लीजिए या बूरा डाल लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। और ये जो हमने मोई बनाकर तैयार की थी, इसमें पूरी 1 किलो फूल मैदा लगी, 1 किलो फूल मैदा में आराम से काम चल गया था। तो आज के ब्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।